हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सीरीज जिसकी मैंने बात करी थी, जो की थी अपनी फीनिक्स राइजिंग। तो ये गेम अब मैंने डाउनलोड कर लिया, सब कुछ हो गया। अब चलो इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। एंड तो ये है हमारी प्रोफेसर जो हमें शायद पोकेमोन वगैरह देने वाली है। तो अवतार चूज कर लेते हैं अपना, अवतार जो भी कर लो यार। ओके ग्रेट, ओके। तो अब हम अपने नाम देना, बॉस नाम तो पता ही, क्या देने वाले हैं अपना साइट पर, यही नाम देंगे। जो अपने चैनल का नाम है वही देंगे। पहले तो ये वाला डेट करो, पहले से ही क्यों नाम दे रखा है भाई। जब तुम्हें नाम चूज करने के लिए दे रहे हो तो पहले से क्यों दे रखा है। चलो अब नाम चूज कर लिया हमने, अब आगे चलते हैं, कन्फर्म कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग मी साइट पर, इंक्लूडिंग मी। I bet you're looking forward to your adventure. Be sure to stop while before you skip town. I have something you will want to see. Okay, तो of course भाई प्रोफेसर के पास जा रहे हैं तो पोकेमोन ही होंगे उसके पास। अपना स्टार्टर लेके ही जाएंगे उससे। और प्रेजेंटिंग, ओहो अ फैन मेड प्रोजेक्ट। तो हाँ ये फैन मेड गेम है, तो मैं नहीं बता दो ऐसे ही बता रहा हूँ। फीनिक्स राइजिंग अपनी न्यू सीरीज शुरू होने वाली है, फीनिक्स राइजिंग। एंड जो जैसा तुम्हें पता ही होगा, इसमें कुछ नई फॉर्म्स हैं एंड नए कुछ मेगा एवोल्यूशंस हैं, तो वो देखने के लिए मैं बहुत बढ़िया एक्साइटेड हूँ कि कौन कौन से होने वाले हैं वो। ओके तो मेगा एवोल्यूशन भी काफ़ी सारे, इसमें फॉर्म्स भी काफ़ी सारे हैं। तो ये है हमारा टाउन, टाउन जो इसमें हम रहते हैं। एंड ये है क्या हम, नहीं ये नहीं, ये तो कोई ऐसी साइड कैरेक्टर है, इसको छोड़ दो। और मूवी चल रही है एकदम बढ़िया सी, नज़ारा दिख रहा है टाउन के। और ये दो नीड हो रहे हैं, मेल फीमेल। ओके जंगल में जा रहे हैं, ये मेल भी उसके पीछे पीछे चला गया। ओके तो अब आगे देखते हैं क्या है। अच्छा ये है हॉथरोन वुड्स, क्या नाम है ये हॉथरोन वुड्स। चल कोई भी, आई हैव एवर टोल्ड यू व्हाई आई लिव्ड इन हॉथरोन वुड्स। आई बोगे नहीं भाई, आपने बताया तो नहीं कभी, मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। कौन हो आप, ऐसे क्यों पकड़ के लाए हो मेरे को यहाँ। मोस्ट अस्यूम आई थिंक दैट आई इग्नोर फॉर द नेचर सेटिंग टू बी वन विद नेचर। सर्टेनली द पोकेमोन हेयर आर काइंड एंड द फ्लोरा इज मैग्निफिसेंट। यस I even admit my cooking has gently improved since I began my hermitage. Hermitage, इसका मतलब क्या होता है देखना पड़ेगा। But I will not live away from society for a pretty view. No, I live here because I felt pure. It felt pure. Okay भाई, तो जंगल में रहने का यही फायदा है कि मतलब प्योर, हर चीज़ प्योर मिलती है। When I was your age, finding an unthinking place was a very simple, a quiet place. That's not true anymore. Yes. Now the world is very, very complicated. Sach mein bhai. This is good to keep in mind. Find a quiet spot. Allow yourself the time to think on your life, your circumstances. For you see, side okay, this is when one thinks that are realized. Not all is right with the world. World के साथ right कुछ भी नहीं हो रहा भैया, अभी जैसे हालात चल रहे हैं, जैसे हालात चल रहे हैं अभी तो world के साथ कुछ भी सही नहीं है। Okay, तो अब इसके घर में जाना चाहिए मेरे को। बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, थोड़ा तेज तेज चलो वरना घर छूट जाएगा। Okay. Press the X button to open your menu. Okay. X button से menu खुलेगा. Save. अच्छा menu तो बड़ा तगड़ा है भाई, सही बना रखा है। And अब धीरे धीरे, and shoes भी है मेरे पास पहले से, बढ़िया। तो ये सही बात होती है ना कि जब बंदा घर से निकला तो भाई shoes पहन के ही निकला होगा, अलग से shoes ढूंढने की क्या ज़रूरत है। Come come, I have a lovely tin of basket for you to try. ओके भाई अब बिस्किट खाएंगे अंकल जी के घर जाके, और कुछ तो होता नहीं है।
पहले थोड़ा देख लेते हैं कुछ आसपास है या नहीं, चलो अंदर चलते हैं। ओके तो अंकल जी अगर देखते हैं अंदर से कैसा है। द लेसन इन दिस ट्री सर पर गया। सो ग्लैड यू डिसाइडेड टू कम ओवर वन लास्ट टाइम। इट वर्म्स एन ओल्ड मैनस हार्ट एंड सो डू मेंटेनेंस डे ऑफ ऑन ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी एंड यू आर रिसीविंग योर फर्स्ट पोकेमोन। यस आई विल टर्न ऑन द कैटल साइड। ओके तो अभी अंकल जी मेरे को चाय बना के पिलाएंगे, चाय एंड बिस्किट। ओके यू नो प्रोफेसर लोटस मेट विद मी बिफोर हर ओन जर्नी टू योर स्कूल। ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी श्योरली स्नैप द बेस्ट टैलेंट ऑफ द हॉथरोन रीजन। अच्छा तो ये हॉथरोन रीजन इसका नाम है, थोड़ा लेने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन नाम तो है। ऑल्दो इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन विद योर फादर एंड आई। वेयर इज इट, क्या हो गया? आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड टू सी हिम। ओके एक्साइटेड टू सी हिम, किसको? क्या हो गया अंकल? हाउ पेपलेक्सिंग, कैसे कैसे वर्ड बोले। शी इज ऑलवेज बीन हार्ड इवन योर मदर नेवर फेस बाय अ थिंग बट टू हैव हर ओनली चाइल्ड अबाउट टू डिपार्ट फ्रॉम हर होम मस्ट बी ट्राई। व्हाई व्हेन माय ओन चिल्ड्रन टुक देयर लीव मी आई। ओके नहीं अंकल पुरानी बात याद हो गई, इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। आई हैव सम बैड न्यूज़ सेट हो गया। आई थिंक परहैप्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई एम आउट ऑफ टी। I am embarrassed. I am going dirty. Did I check my own stores? You know what? I imagine your mother has tea. Your father was a tea fanatic. Fanatic क्या होता है भाई, बता नहीं मेरे को। तो क्या अंकल जी ने मेरे को चाय पीने के लिए तो बुला लिया लेकिन अंकल जी के पास खुद भी चाय नहीं है तो मेरे को अपने घर जाके चाय लानी पड़ेगी, फिर अंकल जी मेरे को बना के देंगे। ओके तो ये करना है, अब शायद मेरे को यहाँ से बाहर निकल रहा है एंड मेरे को अपने घर जाना है। वो मेरे को पहले ढूंढना पड़ेगा कि मेरा घर कौन सा है इसमें से। ओके तो फिनिक्स राइजिंग का हमारा पहला एडवेंचर थोड़ा सा शुरू हो गया है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। ओके भाई रीडोरन क्या गुस्सा मत होइए भाई, अरे भाई गुस्सा हो रहा है, चल कोई नहीं जाएगी भी कहाँ बच के। तो मेरे को घर जाना है अपनी चाय लेने, तो लेकिन घर मेरे को पता नहीं कहाँ है, होगा तो ऊपर जाके लेकिन मैं यहाँ थोड़ा घूम लेता हूँ, कुछ आइटम वगैरह हो या कुछ भी हो। आइटम भी बैरिस लगी है यहाँ पे, अभी नहीं बाद में आगे ले लूँगा इन्हें। एंड ये बंदा अकेला घूम रहा है यहाँ पे कैसे, एंड यहाँ आगे जाने का कहीं रास्ता तो है नहीं मेरे को लगता है, अब ऊपर ही जाना पड़ेगा मेरे को, ऊपर की साइड जहाँ पे वो नीडो रहन गया था। लगता है वो दोनों वहाँ पे थे इसलिए क्योंकि मेरे को रास्ता दिखा सके, तो वहीं पे चलते हैं। ओके एंड ये रहा टाउन, कौन सा है? नॉकटर्न टाउन, नॉकटर्न यानी नॉकटाउन, नॉकटर्न टाउन। ये है क्या मेरा घर? नहीं, क्या बात है, टीवी तो बढ़िया लगा रखा है घर में। ये तेरे साइड पे यू आर लुकिंग फॉर प्रोफेसर लोटस। ओके नहीं ये मेरा टाउन बोल रहा हूँ, मेरा टाउन है लेकिन मेरा घर नहीं है ये। चलो अब किसी और के घर में घुस के देखते हैं कि ये मेरा घर है या नहीं। अब सब घर में घुसना पड़ेगा भाई, फिर कोई ना कोई तो एक निकल ही आएगा मेरा, तो ये वाला देखते हैं। नहीं ये भी नहीं लग रहा, नहीं ये भी नहीं है। एंड और कहीं है क्या घर कोई? ये वाला घर है क्या? इसमें जाके देखते हैं, थोड़ी खेती वेती भी हो रखी है, ये वाला लग रहा है मेरे को। नहीं यहाँ पे तो नहीं, दादी जी बैठी हैं यहाँ पे, ये नहीं है। ये वाला देखते हैं, ये वाला होगा या नहीं, इसकी भी खेती हो रखी है बढ़िया सी। एंड हाँ ये ही लग रहा है। ओ साइड पे हो गई, योर होम अर्ली। ओके हाँ यही है, तो बातचीत शुरू हो चुकी है तो यही होगा। 40 ओके हर वेल रिगार्डलेस ही नीड टी बैग। ओके भाई हाँ भाई टी बैग्स तो चाहिए,
चाय बनानी है, उसके पास चाय ही नहीं है। He really need to be more responsible living all alone out there. We both don't know if the first time something has happened like this. Perhaps he could grow on his own. He surrounded all the forest. Now that I don't sympathize him choice, I beautiful in those woods. It's beautiful in those woods. वही है, जंगल में beautiful तो होता ही है। He likes not much. Okay. You know, I had this crazy thought that your father took all this tea with him. Okay, तो मतलब घर से फादर चोरी करके भाग गए चाय पत्ती। You think he still has it? Neither of us even seen. Okay, तो खुद ने चाय पत्ती देखी भी नहीं है। Okay, तो फाइनली हमें चाय पत्ती मिल गई है। भाई यार ये बातें बहुत करती हैं, बातें इस गेम में बहुत लंबी लंबी है। वो तो मैंने वीडियो थोड़ी कट कर दी है इसलिए आ नहीं रही है बातें, मतलब बहुत देर तक पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे। लोटस से पास जाके पोकेमोन ले लो, प्रोफेसर के पास जाके पोकेमोन ले लो। हाँ भाई ले लूँगा भाई, चिंता मत करो, कहीं छोड़ के नहीं चला जाऊँगा। ओके, तो हम फिर से आ गए हैं हॉथरोन वुड्स में चाय पीने। इतनी मेहनत करके चाय तो पीने का वो बनता ही है भाई। वो साइड पे गई है रिटर्न। हाँ जी बिल्कुल आ गए हम, अब जल्दी से चाय उबाल, चल निकल फिर। जल्दी से चाय पिलाओ और मैं निकलूँ फिर अपने सफर पे। ग्लिम्स ऑफ डेथ डार्कनेस रेड इज फ्लेम। ओके भाई क्या क्या क्या, क्या बातें कर रहा है जादू तूने ये पता नहीं। ओके जब अब हमने चाय पी लिया तो हम बाहर आ गए। दिस वॉज वेरी नाइस साइड पर गए टू बी श्योर। थैंक यू मदर फॉर मी अगेन, इट वॉज गुड टी। यस नाउ आवर फैमिली पीस ऑफ एडवाइस, शुड यू एवर प्लीज रिटर्न हेयर आई शेल पुट ऑन केटल एंड परहैप्स विजन ऑफ ग्रेस। ओके तो भाई आखिरी गुड बाय सायोनारा देते हुए अंकल जी हमें। ओके द लेसन इन डेस्टिनी। ओके तो अंकल ने हमारा आखिरी सायोनारा बाय बाय कर दिया। तो आगे चल के फाइनली जाके अपना पोकेमोन ले लेते हैं अपने लैब से, जो सब लोग इतनी बार बार भूल रहे थे भाई। तो अब लैब कहाँ पे, लैब ढूंढनी पड़ेगी पहले। तो ये ऊपर वाली लग रही है क्योंकि ये बड़ी सी बिल्डिंग लग रही है ना मेरे को। टाउन में सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी वही लैब होगी, और कुछ नहीं हो सकता। ओके तो यही है लैब, क्या सो रही है ये तो लग रही भाई। साइफ हो गया? हाँ हाँ भाई क्या हो गया? यू आर हेयर अर्ली, प्रोफेसर लोटस सेड यू विल बी हेयर वेरी लेटर देन दिस। यू रिमेम्बर मी राइट? आई एम टिम, वी मेट लाइक ट्वाइस नाउ, इट्स नॉट बिग डील। वेलकम, यू आर हेयर फॉर योर फर्स्ट पोकेमोन राइट? सो दैट्स सो एक्साइटिंग, वी हैव बी गेटिंग देम रेडी फॉर एवर। Should be waiting for Professor Lotus. She said she want to be here for this, but I haven't heard from her. Okay, तो भाई वो भी बाहर घूम रही है, इसका भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो ये लोटस नहीं है, ये उसका असिस्टेंस वगैरह है जो है टिम, टिमी द असिस्टेंट यहाँ पे बैठा है आराम से, और ये भी बहुत लंबी चौड़ी बात बना रहा है। But we exactly know her in person, you know. We got the tea real, we got to see her real. भाई अब भी टी आ रही है मेरे दिमाग में, इतनी चाय चाय हो गई। ओके यू आर नॉट दैट अर्ली, मे बी शी इज लेट नाउ, एज इफ आई बेट यू आर डाइंग टू सी देम। पोकेमोन दे आर सुपर क्यूट। ओके तो फाइनली अब ये इतनी लंबी चौड़ी बात करके हम पोकेमोन दिखाएगा, तो स्टार्ट पोकेमोन देखते कौन से होने वाले। Before she get here, a sneak peek. Okay. That will be okay, right? हाँ भाई सब कुछ ओके है भाई, तो पोकेमोन दिखा बस ये। ओके कम ऑन लेट्स गो गेट अ लुक। हाँ भाई इतनी देर से बोल रहा है यार, दिखा दे हम कुछ अलग हैं शायद। स्टार्टर, ये स्टार्टर है, अगर ये स्टार्टर है तो ये मैं नहीं लूँगा। पैक ले लो, कौन लेता है यार, क्यूट राइट? हाँ भाई क्यूट तो है, लेकिन पैक ले लिया ऐसा स्टार्टर सही नहीं रहेगा।
If you eat their leaves, you will get a little energy boost. Of course, I have never tried one. Okay. You can eat lily pad. Okay. Lily pad. ये तो नई बात है भाई. हाँ, ग्राउलेट ले सकता हूँ मैं. This is ग्राउलेट, the puppy Pokemon. Okay, Shaggy man. There are fire types. Growlithe are demonstrating Pokemon. Apparently they have smell, emotions. Okay, मतलब basically वो एक dog ही है यार. और क्या है Growlithe? And star you. Okay, तो भाई ये starter Pokemon देखने के बाद तो भाई final हो गया कि मैं Growlithe ही लेने वाला हूँ. Growlithe ही best लग रहा है इसको मैंने इन सब में मेरे को. तो Growlithe ही लूँगा मैं. I should have done this now. You really want one? Okay. तो ये अभी दे देगा ना मेरे को पोकेमॉन. कहीं ऐसा ना हो बार बार मेरे को क्या बोलते कहीं और जाना पड़े फिर वापस आऊँ तब पोकेमॉन मिलेंगी. I know how it is to own your first Pokemon. I will be waiting for front of the lab. Okay भाई, तो वेट कर इतने में पोकेमॉन चूज करके आता हूँ अपना. एंड मैंने डिसाइड तो यार कर ही लिया है कि मैं कौन सा लेने वाला हूँ. तो वो ऑफ कोर्स भाई Growlithe होने वाला है. और ये क्या है? सॉफ्ट ड्रेस्ड विद F12. ओके, तो अब Growlithe ही लेते हैं चलो. आपको और ये खुल गया है दरवाज़ा मेरे और Growlithe के बीच का. अब हम दोनों एक हो जाएंगे. ओके तो अब Growlithe ले लिया है जो कि एक फायर टाइप पोकेमॉन. ओके Growlithe मिल चुका है हमें और ये बढ़िया सा डिस्प्ले Growlithe का. निकनेम देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल देंगे भाई निकनेम. तो अब ये Growlithe पहले नाम हटाते हैं इसका, डिलीट करते हैं एंड फिर एक बढ़िया सा निकनेम दे देता हूँ मैं जो कि होगा. क्या निकनेम दें इसको? कोई बढ़िया सा. ओके तो हमने Growlithe को नाम दे दिया हेल फायर. तो ये काफ़ी सही सलाम लग रहा था तो मैंने इसको यही दे दिया. और अब हमें Growlithe मिल चुका है. तो क्या टॉवल पोकेमॉन फॉलोड बाय प्रेसिंग कंट्रोल. ओके अच्छा, तो मैं अगर पोकेमॉन को अंदर रखना चाहूँ तो कंट्रोल दबा के अंदर भी रख सकता हूँ और बाहर भी घूमने दे सकता हूँ अपने पीछे पीछे घूमने दूंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा. ओके स्पेशली नाउ दैट यू हैव अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड टू हेल्प यू थ्रू इट. एंड नाउ We wait for Professor Lotus to come back. She will be here. Things we give you advice or gadgets or some things. Okay, तो जब वो आएगी तब हमें Pokeball gadgets and Pokédex वगैरह वो सब मिलेगी. और क्या? तो अभी वो आएगी या नहीं आएगी? Oh, this is a good lesson. So Tranquil Town is easy east of here. तो अभी हम Nocturne Town में हैं तो मेरे को Tranquil Town में जाना है यहाँ से. तो वो देखें कितना दूर है. और भाई ये बातें तो इसकी ख़त्म नहीं होने वाली भी बिल्कुल भी. ओके तो सो प्रोफेसर लोटस वुडंट बी लॉन्ग, वी जस्ट हैव टू वेट. ओके तो उसका वेट करना है इतने में. तो बाहर चल के थोड़ा बहुत नहीं जा सकता बाहर क्या. हे यू आर गोना हेल्प मी एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ लोटस. थैंक यू फॉर वेटिंग विद मी. आई हैव रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट. प्रोफेसर लोटस इज सो टैलेंटेड दैट बट शी हैव लिटिल स्केर्ड. Maybe you don't think that since you know her for long. Okay. तो मतलब वो आएगी या नहीं आएगी भाई? मेरे को पोकेबॉल वगैरह मिलेगी अभी या नहीं मिलेगी? This is really awkward. You can go now. Okay. Have fun. बस have fun. इतना ही पढ़ सकता हूँ मैं नहीं करा पढ़ने का. चलो कोई बात नहीं, पढ़ने वाले छोड़ो. अब कमेंट्री करनी है, कमेंट्री करेंगे अब. तो क्या अब मेरे को मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ शायद? तो उसकी दिक्कत नहीं है. हाँ मैं बाहर सकता हूँ. अब मेरे को जाना है Tranquil Town की तरफ. एंड ये बड़ा सा मैप लग रहा है यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं. ओ भाई काफ़ी बड़ा मैप है यार गेम का. तो कि ये है Tranquil Town Route 1. ओके ये मैप का डिज़ाइन भी बड़ा तगड़ा सा बनाया हुआ है इन्होंने. तो अभी मैं हूँ अपने नॉकटर्न टाउन में. यहाँ से मेरे को जाना है Route 1, फिर यहाँ से जाना है मेरे को Tranquil Town में. ओके तो अब चलते हैं यहाँ से आगे Tranquil Town की तरफ एंड वापस घर जाना है. नहीं जाना है अब, आगे चलते हैं यहाँ से. अब क्या बार बार घर जाना? पोकेमॉन मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब आगे चलते हैं.
और पहला इनकाउंटर हमारा क्या होने वाला है, सेंट्रेट। यहाँ पे सेंट्रेट बहुत सारे हैं, मतलब अगर पहला इनकाउंटर सेंट्रेट है तो उसका मतलब सेंट्रेट तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। ओके भाई, क्या भाई, अटैक एनिमेशन भी तगड़ी बना रखी है फैन मेड गेम के हिसाब से, एंड स्प्राइट भी काफ़ी तगड़ी ले रखी है उन्होंने पोकेमॉन की। हाँ सही है, वैसे तो गेम तो बहुत बढ़िया लग रही है डिज़ाइन वगैरह में। एंड जब वो मेगा एवोल्यूशन देखने, मेरे को कैसे भी मेगा एवोल्यूशन के लिए बहुत एक्साइटेड हो रखा हूँ मैं, क्योंकि मेगा एवोल्यूशन वही सबसे बेस्ट चीज़ है पोकेमॉन की जो अब तक इंट्रोड्यूस करी है उसने, मेरे ओपिनियन से। तो क्या करें भाई, और ये जर्नल वगैरह, जर्नल भी है मेरे पास, क्या बात है, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं यहाँ से। एंड एक और इनकाउंटर देखते हैं कौन से पोकेमॉन है। देखा मेरे मतलब था ना, सेंट्रेट बहुत सारे होंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर पहला इनकाउंटर सेंट्रेट था, सेंट्रेट बहुत सारे होंगे यहाँ पे। तो रन करते हैं, बाकी एक्सपी वगैरह तो बाद में मिलती रहेगी। ओके, तो यहाँ पे कौन, दो बेरीज वगैरह है यहाँ पे, इनको ओरन बेरी, अब ओरन बेरीज हैं तो तोड़ लेते हैं उन्हें। एंड पीछे भी कुछ बेरीज थी, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाने वाला, कौन जाए बार बार पीछे तो ना, सिर्फ बेरीज के लिए। तो बेरीज वगैरह भी मैंने ये उठा लिया, और आगे जो बेरीज आएंगी वो भी उठा लूँगा मैं, बस और कुछ नहीं करूँगा। पीछे जो बेरीज रह गई वो रह गई। यहाँ क्यूटी फ्लाई भी है, क्या बात है भाई, क्यूटी फ्लाई अगर पकड़ लूँ तो काफ़ी सही रहेगी एक तरह से, जब मेरी बॉम्बी में इवॉल्व हो जाएगी तो एक फेरी टाइपिंग हो जाएगी मेरी टीम में। अब फेरी टाइपिंग आगे जाके और भी मेरे को बढ़िया मिल सकती है, तो अभी मैं इसलिए इसको नहीं पकड़ूंगा, और वैसे भी मेरे पास कोई पोकेबॉल नहीं है इसको पकड़ने के लिए, और पता नहीं वो पोकेबॉल वगैरह मिलेगी भी कहाँ मिलेगी। ओके, तो ये अकेली लड़की कैसे खड़ी है यहाँ पे। Your Pokemon aren't hurt. They are the building of the orange roof. It's a Pokemon center. Okay. तो मेरे को भी पता है orange roof की जो जिस building की orange roof है वो Pokemon center है, इतना तो भाई पता है मेरे को, इतनी Pokemon का experience है मुझे, ठीक है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक Pokeball है जो कि एक potion. Okay, thank you भाई, first route पे ही potion मिल रहा है, अच्छी बात है। Okay, तो ये बंदा जो है नदी के पास रहना इसे पसंद है, इसलिए यहाँ पे डोलता है ये दिन रात, बस यही है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं यहाँ से, और कोई काम तो रह नहीं गया यहाँ पे। एंड ऊपर, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे ना यहाँ से, हाँ, और कोई रास्ता ही नहीं है भाई, ऊपर ही जाना पड़ेगा मेरे को। क्या हो गया भाई, अच्छा वो शूज़ मैं भूल गया कैसे करते हो, शूज़ कहाँ से करते हैं। तो अब हम आ गए हैं ट्रैंक्विल टाउन में। ओके, तो गाइस मैं सोच रहा हूँ अपना ये वाला एपिसोड ही अपना यहीं पे ख़त्म कर दूँ, एंड अब अपने अगले एपिसोड में इस ट्रैंक्विल टाउन को एक्सप्लोर करेंगे, एंड इसमें देखेंगे क्या क्या नई चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने प्लीज़ बेल आइकन भी दबा देना, एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि आपको पता लगता रहे मैं कब अपलोड कर रहा हूँ कब नहीं। तो होप कि आपको ये न्यू सीरीज़ की न्यू वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहें तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल लाइक कर देना वीडियो को। तो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, प्लीज़।